किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करेले की खेती के संबंध में बातें बताऊंगा। एक एकड़ करेला बोने के लिए हमें 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और 500 ग्राम बीज अगर हम बोएंगे एक एकड़ में तो लगभग 4000 पौधे आ जाएंगे। और हमने पिछले साल जो उपज देखा था, एक पौधे से लगभग 5 किलोग्राम फल हमें मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक एकड़ से लगभग 200 कुंतल फल हमें प्राप्त हो जाएगा। मार्केट में 20 से लेकर के 30 रुपए किलो तक करेला बिकता है, तो इस तरह से अगर हम इसका भाव जोड़ेंगे तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमें 4 से 5 महीने में इस आमदनी करेले से मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं पूरा वीडियो। करेले की खेती के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा उपयुक्त होता है, और बरसात में करेले के जो फसल ली जाती है उसके बारे में आज आप लोगों को हम जानकारी देंगे। हम एक एकड़ इकाई मान करके आप लोगों की इस फसल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। एक एकड़ करेला लगाने के लिए लगभग 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी बुआई जो है जून के लास्ट वीक में, या अगर अगेती थोड़ा लेनी है तो जून के फर्स्ट वीक में की जा सकती है। इसकी बुआई करने के लिए जिस खेत का चयन हम करें उसमें पानी का जल भराव ना होने पाए, ऐसा हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसान भाइयों, एक एकड़ फसल के लिए हमें 500 ग्राम करेले के बीज की जरूरत पड़ेगी। हम बुआई के पहले बीज को बाविस्टीन के घोल में 17 से 18 घंटे तक भिगो कर रखेंगे। उसके बाद छाया में सुखा लेंगे। छाया में सुखा लेने के बाद बीज की बुआई जो करेंगे वो जमीन में लगभग 1 इंच नीचे करना चाहिए, उससे जो है जमाव अच्छा मिलता है। करेले की बुआई करने के लिए पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करके समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद उसमें जैसा अन्य फसलों में डाला जाता है, इसमें भी एक बोरी मतलब 50 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और 30 किलो पोटाश फैला करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। मिट्टी में मिलाने के बाद, चूंकि ये बरसात की खेती है तो इसमें जल निकासी के लिए हमें नालियां बनानी पड़ेगी। ध्यान रहे, नालियां जो बनेंगी दो नालियों के बीच की जो दूरी है वो 6 से 7 फीट रखनी पड़ेगी आपको, और पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। ये देखिए, हमने नालियां बनाई है। नालियों की गहराई हमने 25 सेंटीमीटर लगभग रखी थी, अभी थोड़ा ये मिट्टी उट्टी आ जाने से थोड़ा भर गया है। और ये हमने जो नाली बनाई है इसके ऊपर हमने मल्चिंग लगा दी है। मल्चिंग के बारे में आप पिछले वीडियो में बताया था हमने, ये 3 फुट चौड़ी है और 25 माइक्रान मोटी है। और इसमें हमने जो पौधा लगाया है वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, और जल निकासी के लिए हमने जो नाली बनाई है, इस तरह से आपको पहले नाली बना लेनी होगी। उसके बाद बीज को भिगा करके सुखा करके इसके अंदर बुआई करना पड़ेगा। बुआई करने के पश्चात जब करेला का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमें जो है इसके ऊपर ये जैसे बनाए हैं, दिखाया, जैसे बनाया गया है ये झालर, इसको हम लोग बोलते हैं, झालर बनाने की आवश्यकता होगी। झालर बनाने के लिए जब पौधे का जमाव हो जाए तो उसके पास हम लकड़ी, जैसे ये है अरहर का या बांस की कैन जो है, बांस के जो पतले पतले डंठल रहते हैं, कैन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मिट्टी में धंसा देंगे तो इससे चढ़ करके ऊपर जाएगा। उसके बाद 10-10 फीट पर हम बांस गाड़ते हैं, दिखा दीजिए।
हम नालियों के ऊपर जो मेड़ बनी है उस पर 10-10 फुट दूरी पर बांस का टुकड़ा जो है गाड़ देते हैं। बांस के टुकड़े की लंबाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 7 फीट जरूर रखना चाहिए, ताकि नीचे से हम आसानी से फल की हार्वेस्टिंग कर सकें, फल की तुड़ाई कर सकें। तो उसके बाद ये जो बाड़ लगाने के लिए हमने तार यूज किया है, वही सेम तार इसमें हम लोग यूज करते हैं। ये तार है, तो बांस से बांस पूरा सामने तक एकदम फैला देंगे, इस मेड़ से उस मेड़ तक। उसके बाद वहां खूंटा गाड़ कर भी हम आपको दिखाएंगे, खूंटा गाड़ करके उसको टाइट करके तनाव दे देंगे। उसके बाद ये दो तारों के बीच में ये लगभग 1-1 फीट दूरी पर ये प्लास्टिक का ये जो तार है इसको लगा देते हैं, पूरा एकदम जाल जैसा बना देंगे। इसके ऊपर हमारी जो है इसकी बेलें फैलेंगी और बेलें फैल करके फल देंगी। वैसे करेले के फसल में कोई विशेष रोग नहीं लगता है, लेकिन कुंजा रोग इसको प्रभावित कर देगा तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। और उसके अलावा पानी अधिक लग जाने पे ये पत्तियां भी पीली कभी कभी पड़ जाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का छिड़काव जो है करना चाहिए। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब 1 लीटर पानी में मिला करके इस रेशियो में इसका छिड़काव करने से इसका जो है हम इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। समस्या आती है इसमें कभी कभी फल छेदक कीट लग जाते हैं, तो उसके लिए हम किसी भी जो मार्केट में उपलब्ध है कीटनाशक है उसका उपयोग कर सकते हैं। कोराजिन का हम उपयोग इस फसल में कर रहे हैं, उससे हमारी फसल जो सुरक्षित है। उसके साथ साथ हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण साफ नाम की दवा से आता है उसको मिलाकर हम छिड़काव कर रहे हैं हर हफ्ते, तो हमारी फसल एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, आप देख रहे हैं। उसके अलावा एक चीज विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आप मचान बना रहे हैं ना ये कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब फल इसमें आएंगे और बारिश होगी हवा चल जाएगी तो ये मचान आपका गिर जाएगा तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो इसको बेचने के लिए हम मार्केट में हरा भी बेचते हैं और इसका बीज निकाल के भी बेचते हैं। अगर हरे का भाव अच्छा मिल जा रहा है तो हमें जो है मार्केट में हरा ही पहुंचा देना चाहिए, लेकिन यदि भाव कुछ कम है तो हमें जो है इसको पका करके इसका बीज निकाल लेना चाहिए। 1 एकड़ में अगर अच्छे से फसल आ गई है तो 5 कुंतल बीज तैयार हो जाता है, और 1 कुंतल बीज लगभग 40-50 हजार रुपए कुंतल के हिसाब से मार्केट में बिक जाएगा। तो इस तरह से हमें, हमने अभी आपको बताया था कि लाइन से जितनी भी लाइन बांस का हम लगाएंगे उसमें तनाव देना बहुत आवश्यक है, तो हमने तनाव देने के लिए देखिए इधर से भी एक खूंटा लगा दिया है, एक खूंटा लगा करके तनाव दिया है, और दूसरी तरफ से कॉर्नर का है चूंकि इधर से भी हमने देखिए तनाव दे दिया है। ये बहुत आवश्यक होता है, यदि आप तनाव देने में जरा भी चूक करेंगे तो बारिश के सीजन में जब हवाएं चलेंगी तो आपका मचान गिर जाएगा और आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।